आईपीएल में हुए मंगलवार को 49वें मैच में किंग्स इलेवन पंजाब ने केकेआर को रोमांचक मुकाबले में 14 रन से हरा दिया। क्रिस लिन ने तुपारी पारी खेलते हुए 52 गेंदों में 84 रन की शानदार पारी खेली। इस पारी में 8 चौके और 3 छक्के भी शामिल हैं। अक्षर पटेल ने लिन को रन आउट किया। 50 से चूके मैक्सवेल। पंजाब के कप्तान ने तूफानी पारी खेलते हुए 25 गेंदों में 1 चौके और 4 छक्कों का मदद से 44 रन बनाए। मैक्सवेल ने साहा के साथ चौथे विकेट के लिए 71 रन की पार्टनरशिप की। लगातार 2 छक्के लगाने के बाद 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक छक्का और लगाने की कोशिश में वे कैच आउट हुए। कुलदीप की गेंद पर क्रिस वोक्स ने कैच पकड़ा। केकेआर प्लेऑफ में जगह लगभग पक्की कर चुकी है, जबकि पंजाब को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए बचे हुए 3 मैच जीतने हैं, जिसमें से 1 मैच मंगलवार को पंजाब ने कोलकाता के खिलाफ जीता। लेकिन आज के मैच में पंजाब की जीत से प्लेऑफ और टॉप 4 टीमों का समीकरण बिल्कुल बदल गया है। कोलकाता 13 मैचों में 8 मैच जीतकर अभी भी दूसरे स्थान पर है। वहीं पंजाब भी 12 मैचों में 6 मैच जीतकर 5वें स्थान पर है। पंजाब की जीत से सबसे ज़्यादा परेशान अगर कोई है तो वो है डेविड वार्नर की टीम सनराइजर्स हैदराबाद। हैदराबाद का 1 मैच बचा है और वो 15 अंकों के साथ 4थे नंबर पर है। पंजाब अगर बाकी के 2 मैच भी जीत जाती है तो हैदराबाद प्लेऑफ से बाहर हो सकती है। देश दुनिया से जुड़ी ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।